दोस्तों उद्धव ठाकरे का प्रतिक्रिया आ गया है उस बात पर जब राहुल गांधी ने संसद में शिव जी का फोटो जो उन्होंने दिखाया था तो बीजेपी ने आरोप लगाया था कि ये हिंदुत्व का अपमान कर रहे हैं, हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं। इस बारे में उद्धव ठाकरे क्या कहते हैं वो आप सुनिए। नहीं, आप पहले मुझे बताइए कि क्या गलत कहा, क्या गलत कहा उन्होंने, कहा अपमान किया? एक तो वो तो बार बार दिखाना चाहते थे शिव जी की प्रतिमा, वो दिखाने के लिए पाबंदी लगाई गई। क्या यही हिंदुत्व है? जय श्रीराम के नारे हम भी देते हैं तो वो चलते हैं, प्रधानमंत्री जी खुलेआम प्रचार सभा में जय श्रीराम कहते हैं, लेकिन संसद में अगर बीजेपी के अलावा कोई कहे तो क्या वो अपराध है? संविधान को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने कहा जय संविधान और उधर से घोषणाबाजी हुई, फिर महाराष्ट्र में विधान परिषद के भीतर जो हंगामा हुआ, इन दोनों को कैसे कनेक्ट करते आप? नहीं, मैंने सारी बातें कही है कि ये सारी अगर मगर की बातें हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कल राहुल जी ने हिंदुत्व का अपमान किया है तो मैं नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा जो बात मैं कहते आया हूं कि भाजपा यानी हिंदुत्व नहीं है, हम भी हिंदू हैं और हम में से कोई भी हिंदुत्व का अपमान करेंगे नहीं और हिंदुत्व का अपमान सहेंगे भी नहीं, और उसमें राहुल जी भी आते हैं जो अपमान करेंगे भी नहीं और सहेंगे भी नहीं। आज जो एक फेक नैरेटिव उन्हीं का शब्द है जो फैलाया जा रहा है कि बीजेपी मतलब ही हिंदुत्व, नहीं, हमारा हिंदुत्व पवित्र है, हमारा हिंदुत्व बीजेपी तो उसके आसपास भी नहीं आ सकती, हिंदुत्व तो एक उन्होंने एक नकाब बनाया है लोगों को उल्लू बनाने के लिए। तो मैं तो यही कहता हूं कि जैसे उन्होंने कल एक कोशिश की गलत जानकारी के आधार पर विधान परिषद में वो एक ठराव लाना चाहते थे कि हिंदुत्व का अपमान हुआ, तो हिंदुत्व का अपमान हुआ नहीं, लेकिन आधी अधूरी जो जानकारी है उस आधार पर वो एक प्रस्ताव लाना चाहते थे, वो भी समारोह की एक दिशा भूल करने की अपमान है। और साथ ही मैं यही कहता हूं कि लोकसभा में कुछ लोगों ने अपने शपथ के समय जय संविधान का नारा दिया तो उनको रोका गया या उसके ऊपर आपत्ति जताई गई, तो जय संविधान कहना कब से गुनाह हो गया? और इसलिए मैं तो खुलेआम उसका निषेध तो कर ही रहा हूं। मेरी विनती है दोनों जो हमारे सभागृह है कि आप भी जो कुछ वहां हुआ जय संविधान कहने पर आपत्ति जताई उनका निषेध करने का प्रस्ताव लाएं और वो मंजूर कर लोकसभा में भेजें।